दोस्तों, सऊदी अरबिया का एक ऐसा बादशाह जिनका अगर कत्ल ना होता तो आज इजराइल का नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। मैं बात कर रहा हूँ किंग फैसल अब्दुल अजीज की। जब सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद किंग फैसल सऊदी अरब के सबसे ताकतवर बादशाह गुजरे, जिनका नाम सुनकर यूरोपियन कंट्रीज भी खौफ में पड़ जाती थी। किंग फैसल सऊदी अरेबिया के तीसरे किंग थे। उनके वक्त में अरब और इसराइल की जंग हुई थी, जिसमें अगर अमेरिका इसराइल का साथ ना देता तो आज फिलिस्तीन आजाद होता। इस जंग के वक्त किंग फैसल ने अमेरिका के साथ बिजनेस करने पर रोक लगा दी थी और अपना तेल एक्सपोर्ट भी रोक दिया था, जिसके नतीजे में अमेरिका अरब को धमकी देने लगा, जिसके जवाब में किंग फैसल ने जुमले कहे थे कि अगर अमेरिका हम पर पाबंदियां लगाता है तो लगाए हमारे बाप दादाओं ने अपनी पूरी जिंदगी खजूर खाकर गुजार दी है और हम भी यही करेंगे, लेकिन फिलिस्तीन का एक भी टुकड़ा दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे।